इंस्ट्रक्शन का यूज करो और या फिर आप बैकएंड इंस्ट्रक्शन में दोनों से कोई फर्क यहाँ पे यानी दोनों आपको याद रखने की जरूरत है। इनवर्स सिलेक्शन आप याद रखने की जरूरत है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है डिलीट। अब डिलीट इसमें करेगा किसको, जिस डेटा को आपने सेलेक्ट किया उसी डेटा। अभी देखो फिलहाल ये आई डी ध्यान से देखिए, आई डी का जो है हमें पूरा यहाँ पे न्यू पेज है, न्यू पेज आई बन जाएगा। न्यू पेज आने के लिए शॉर्टकट किसको याद है, कंट्रोल की, कंट्रोल के साथ एन ध्यान रखना ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी डायग्राम लाया इतना, दूसरा डायग्राम लाया यहाँ पे इतना, और तीसरा डायग्राम लाया। अब तीन डायग्राम लाए और इस डायग्राम को मेरे को डिलीट करवाना है, ये डायग्राम में गलत इसलिए गलत आ चुका है और इसको डिलीट करना है, तो आपको जाना है सेलेक्ट के अंदर और यहाँ से क्या करना है इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसको हटाना तो यहाँ तो कीबोर्ड में जाकर डिलीट बटन प्रेस करो या फिर आप यहाँ पे जाकर इस डिलीट को प्रेस करो। अब जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, चलिए बस ये सिंपल ज़्यादा कुछ हार्ड है, सेलेक्ट करो डिलीट करो, सेलेक्ट करो और डिलीट करो। अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन। क्या आता है ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, जो कि आपने सबसे लास्ट टॉपिक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर नीचे कर ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करते और ये होता है प्लस माइनस और ये होता है प्लस, पता सभी को प्लस के बारे में। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि मेरे को इसके ऊपर एक और डायग्राम ऐसा लाओ जो कि सेम ऐसा ही, क्या करना मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया दोनों सेम आएगा ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो आगे वाला डेटा डिलीट हो रहा है, आगे वाला डेटा क्या हो रहा है डिलीट हो रहा है। ऐसा क्या करें इसके अंदर कि डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और सिंपल तरीके से इसको मैं इसके ऊपर रख सकता, तब आपको क्या करना ध्यान देगा। अब आपको जाना सेलेक्ट कर और सेलेक्ट करने की सबसे लास्ट टॉपिक है फ्री फ्रॉम सेलेक्शन उसका यूज। जैसे अब जैसे अभी यहाँ पे टिक नहीं है, अभी जैसे टिक लगाता हूँ ध्यान देगा। आप देखो ये क्या हो गया पी एन जी फाइल हो जो उसको सुरक्षित था। अब आपको बोला गया कि मेरे को पीछे वाला नहीं देखना, पीछे वाला काम है या फिर इसका बैकग्राउंड वापस लगा, वापस जो इसी के अंदर लगाया ट्रांसपेरेंट को हटा दें। आप देखो आगे वाला डिलीट हो रहा वापस, चलिए यानी कि सिंपल तरीके से किसी भी डाटा को आप पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आपके शेप का ही बैकग्राउंड चेंज होता है, ऐसा नहीं आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर फुल कलर फुल का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कभी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसका बैकग्राउंड हटेगा, जिसको आपने यहाँ से लिया उसी का ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बाकी वाले कम कर सकते हैं। नाम अभी सिर्फ सेट है, नाम के लिए अपन यहाँ पे आएंगे नाम आ गए तब आपका वो भी आएगा कि नाम के पीछे बैकग्राउंड कैसे है और नाम के पीछे बैकग्राउंड कैसे नहीं है, वो आपका टेक्स्ट चल रहेगा। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आता है, टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द लिखना, लेकिन यहाँ पे अभी तो अपन पढ़ रहे हैं शेप डिजाइन आकृति लेआउट इमेज फोटो पढ़ रहे ठीक है, वो आपका आ जाएगा वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, जैसे ट्रांसफर करेंगे इसका बैकग्राउंड हट जाएगा और वापस लगाएंगे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा, यानी कि सिंपल तरीके से बैकग्राउंड हटा भी सकते हो और सिंपल तरीके से बैकग्राउंड हटा भी सकते हो। चलिए अगला टॉपिक आता है यहाँ पे क्लॉक। क्लॉक आप बस देख रहे हैं क्या करता है, ये बाकी वाले डेटा से अलग करता है। कैसे करता है, जैसे ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर रखा इनसे अलग करना तो क्लॉक पे क्लिक करो अलग। चलिए अब आता है दिस साइज, और इसकी साइज कितनी बता दी यहाँ पे बिल्कुल आई नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ पे साइज लिखनी आ जाए, क्या करेंगे ऐसा जिससे साइज आ जाए आपको सेव करना है। यहाँ पे सेव किस पे करना है, जिस नाम से करना, नाम से करते यहाँ पे इसको नाम देने का बोल और यहाँ से मैंने सेव। अब यहाँ पे साइज कितनी आ रही है 2.1 के भी आ रही है, यानी कि इस डायग्राम की साइज आपको यहाँ पे दिखाई, इस डायग्राम की साइज आपको काफ़ी दिखाई दे रही है, यानी कि सिंपल तरीके से किसी भी डेटा की साइज को आप देख सकते हो इसके। अब आपको बोला जाता है कि साइज मेरे को कम पड़ती है, अब मेरा डेटा अपलोड करना वो है 10 KB से